नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यात्री सुविधा में। फ्रेंड्स, अगर रेलवे ने किसी ट्रेन को कैंसिल किया है और किसी पैसेंजर ने उस ट्रेन में ऑनलाइन या ई टिकट को बुक कर रखा है, तो उसे उस ई टिकट को कैंसिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रेलवे किसी ट्रेन को कैंसिल करता है तो जिन पैसेंजर्स ने उस ट्रेन में यात्रा के लिए ई टिकट्स को बुक कर रखा है, उन्हें रेलवे ऑटो कैंसिल कर देता है और उस टिकट का अमाउंट कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अगर कोई पैसेंजर अपने ई टिकट को कैंसिल करता है तो रेलवे उससे उस टिकट का टिकट कैंसिलेशन चार्ज ले लेता है और बाकी अमाउंट उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। तो दोस्तों, ट्रेन के कैंसिल होने पर पैसेंजर्स को ई टिकट नहीं कैंसिल करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने जाना टिकट कैंसिलेशन प्रोसेस के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली रेलवे की इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।